गांव आए थे और तवे पर की रोटी ना खाएं, ऐसा हो ही नहीं सकता दोस्तों। तो स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में, और शुरू करते हैं। बस गांव पहुंचे थे और तवे की रोटी खाना बहुत ज़रूरी था। मम्मी कुल बता रही थी 70 रोटी सेकी गई थी, 70। ये सब इतने गांव वाले जो दिख रहे हैं, सब के सब खाना खाने बैठे हैं। गांव वाले नहीं, ये सब हमारी फैमिली है। मम्मी है, भाभी है, दीदी है, अमृता है। ये देखो, ये सिस्टम कुछ अलग है यहाँ पे। यहाँ पे रोटी बेल के, वहाँ पे आटा है, यहाँ पे बेल के दी जा रही है, तो आगे फैक्ट्री में जा रही है, फैक्ट्री से तवे पे जा रही है और तवे से जाएगी पेट में। बस यही सब सिस्टम है यहाँ। वही मैं बताया, मम्मी बोलती कुछ 70 रोटी सेकी गई थी पहले। वहाँ से लोई बन रही, लोई के बाद यहाँ पे उसका बेलन हो रहा है। बेलन के पास ये जा रही है ट्रांसफ़र, मम्मी के पास, मम्मी से जा रही है तवे पे, तवे से जाएगी पेट में। और इसी के बीच में लोगों ने अपनी अपनी कहानियाँ सुनाना शुरू की और बस डिस्कस कर रहे थे। कुछ लोग मिल नहीं रहे थे अंधेरे में, कहाँ घूम गए थे लोग। ये देखो भूमि, देखो पीछे, देखो पीछे अंधेरे में कहाँ जा रहा है, देखो देखो कहाँ खड़ा है और कहाँ जा रहा है। वहाँ पर देखो कोई उसका कोई ध्यान नहीं है उसके तरफ, और सब यहाँ पे बिजी है व्लॉगिंग में, मोबाइल में, लाइट दिखाने में। और भूमि कहाँ गया पता नहीं। देखो छोटी, देखो वहाँ पे सेक रही है, ठंड लग रही है, ठंड बहुत ज़्यादा थी। मैंग खड़ा है, पापा है, मम्मी है, चाचा है, श्रेया है, सब मोबाइल में लगे हैं। कुछ लोग ब्लॉगिंग कर रहे हैं, कुछ लोग रील्स देख रहे हैं, कुछ लोग गेम खेल रहे हैं। बस कुल मिला के 3 ही लोग काम कर रहे हैं, मम्मी, भाभी और अमृता। देखो बाबू वहाँ खड़ा था ना, अब गायब हो गया, अब दिख भी नहीं रहा है कहाँ चला गया। आधे घंटे के बाद कोई कोने में से निकल के दिखेगा। बस यही चल रहा था जितने भी दिन थे, यही बाबू का यही चल रहा था, कहीं ना कहीं से निकल के देख रहा था। देखो यहाँ का सिस्टम, ये देखो कुछ बोलना चाहते हैं। पापा ने ऑलरेडी पहले से ही लकड़ी छोटी छोटी कटवा के रख दी थी, कुछ बड़ी लकड़ियाँ भी थी, ताकि उन्हें पता था हम आने वाले तो लकड़ी की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ठंड भी ज़्यादा थी और कुछ चिकन वगैरह बनाना था तो बाहर ही बनाते, घर पे नहीं बनाते, तो उसके लिए भी लकड़ी की ज़रूरत पड़ी थी। इसी के लिए पापा ने ऑलरेडी लकड़ी वगैरह काट के रख ली थी। बस यही मज़ा था। ये देखो मैं बोला ना, आया कहीं से आया, और वहाँ जो कोने में गोनी में जो भूसा रखा हुआ है, जो लकड़ी का बुरादा रखा हुआ है, वो आग के ऊपर फेंकता है। बस यही काम करता है दिन भर, वहाँ से फेंकेगा यहाँ पे। किसके ऊपर आ रहा है, क्या आ रहा है, वो नहीं दिखा। ये घर का बैक साइड है, घर जो फ्रंट एरिया है वो सामने एक लाइट जल रही वहाँ पर है। यहाँ पे पीछे आप देख रहे हो सेप्टिक टैंक बना हुआ है, इसके ऊपर पापा का प्लानिंग है कि 2 वॉशरूम लैटरिंग बनाने वाले हैं, और ताकि गेस्ट वगैरह जो भी हैं इनके उनके लिए हो जाए प्रॉपर, घर के अंदर ना जाना पड़े, क्योंकि ऑलरेडी फीमेल्स वगैरह रहेंगे तो जो आउटसाइडर रहेंगे, जो फैमिली, जो फ्रेंड्स वगैरह रहेंगे, बाहरी लोग रहेंगे, वो घर के अंदर वैसे भी आना नहीं पसंद करते। इसलिए यहाँ पर वॉशरूम वगैरह बनेगा, ताकि यहाँ पर गेस्ट वगैरह के लिए हो जाए। और एक बैटरी था ना, बस ये भूल गया लाने, छोटा सा बैक एरिया है, और इसको भी थोड़ा सा भरनी वगैरह बाकी, भरनी करने के बाद ये भी एरिया फ्लैट हो जाएगा। पीछे मॉर्निंग में मैं आपको बताऊंगा, पीछे आम के कुछ झाड़ है, छोटा सा बाग वगैरह है, उसको कवर करना है, उसको ले आके पीछे से बाउंड्री मार के पूरा कवर करके, ताकि वहाँ से मम्मी जो भी खेती वगैरह थोड़ा बहुत कर सके, और एरिया वाइड एरिया में कर लेंगे। सब बैठे हैं, खाने का इंतज़ार है, भूख बहुत तेज़ लग रही है, और 3 लोग तो ऑलरेडी थक चुके हैं, क्योंकि काम देख रहे हो, 70 रोटी सेकना खाने की बात नहीं है। धीरे धीरे ख़त्म होगा और व्लॉग भी हम ख़त्म करेंगे यहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी ख़त्म होने वाला है। तो दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए लोगों का पेट भर जाए और हमें मज़ा आ जाए।